ये तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ताओ की जो एंट्री है वो हम सब के लिए गर्व की बात है, पर्टिकुलरली एवरीवन हु इज लिविंग इन इंडिया, उनको भी एक इंस्पिरेशन है कि 98 इयर्स में कोई इस तरह से डांस कर सकता है, उसकी एनर्जी जो है वो एनर्जी किस तरह की एनर्जी उनके पास है, एंड इट कैन ओनली हैपन बिकॉज ऑफ द योगा, और जो उन्होंने अपना इनर जर्नी साथ में रखी है उसकी वजह से आज हम लोग जो देख रहे हैं। सो इट इज़ एन ऑनर फॉर अस कि हम लोग लंदन में, इंग्लैंड में हमने उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया है, बट इट इज़ ए मैसेज टू एवरीवन, नॉट ओनली इन दिस कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अगर आप अपने आप को सस्टेन करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, तो लर्न समथिंग फ्रॉम ताओ। मेरा एक्साइटमेंट मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा, एंड मैं कहीं ना कहीं ब्लेस्ड फील करता हूँ, क्योंकि जब ताओ 95 की थी तब मैंने उनके लिए फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, जब वो 97 की थी तब मैंने सेकंड टाइम परफॉर्म किया था, और अब वो दो महीने में 99 की होने वाली है और मैं थर्ड टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मेरे लिए हैट्रिक है। एंड इट इज़ गुड कि जब कोई ऐसा इंसान आपको मिलता है और आपको पहचान जाए, तो द मोमेंट आई एंटर्ड संदीप सर्स हाउस, उन्होंने मुझे नाम से पहचान के आके हक किया। शी मीट्स मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द ईयर हर जगह, एट दैट एज द काइंड ऑफ मेमोरी, जिस तरह से वो डांस स्टेप्स को याद रखती हैं, जिस तरह से वो योगा के बारे में बातें करती हैं, जिस तरह से उनकी एक स्पिरिट है जो कभी ना थकने वाली स्पिरिट है और हमेशा अलाइव रहती हैं, तो उनसे सिर्फ 5 मिनट का भी इंटरेक्शन हो, इट हैज़ जस्ट फिल्ड मी अप फॉर द नेक्स्ट सो मेनी ईयर्स।